11th क्लास में चैप्टर 6 के जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं वो हम कर रहे थे। तो ऐसा ही जो कुछ और अदर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उन हम देख रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 9 है ऐसे कि कोई एक बॉडी है, वो इनिशियली रेस्ट में थी और वन डायमेंशनल मोशन कर रही है कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन से, तो उसकी जो पावर होगी वो प्रोपोर्शनल है हमारे पास ठीक टी की किस पावर के, ये हमें करके देखना है, हम बताना है। तो जनरली अगर बॉडी है हमारे पास, बॉडी का मास है, एक्सीलरेशन भी है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एफ इक्वल एम ए, न्यूटन्स लॉ का, ठीक है। अब क्योंकि जो हमारा बॉडी है, बॉडी के ऊपर फोर्स कॉन्स्टेंट अप्लाई हो रहा है, मास कॉन्स्टेंट है, एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है, तो उसका मीन्स ये हुआ कि हमारे पास जो फोर्स है बॉडी को क्या है, कॉन्स्टेंट है ना। इसे करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1। आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल यू प्लस ए टी, बॉडी इनिशियली कैसे है, रेस्ट में है, तो 0 ए टी, तो वी इक्वल टू बनेगा आपका ए टी, ठीक है। पावर बताने आपको, पावर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, इधर का डिस्टेंस अपॉन टाइम का मीन्स वेलोसिटी, एफ वैल्यू ले सकते हैं आप यहाँ पे एम में, वी की वैल्यू ले सकते हैं आप यहाँ पे ए टी, तो ये लगा आपका एम ए स्क्वायर इंटू टी। इसका मीन्स है कि जो पावर प्रोपोर्शनल किस चीज़ का है, वो पावर प्रोपोर्शनल हमारे पास टाइम के, क्योंकि जो हमारे पास एम में है ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एक्सेस में कॉन्स्टेंट है, तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। तो पावर किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, टाइम टी के, तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड टी रहेगा, इसका भी याद रखेंगे। टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कुछ केस लिखे हुए हैं। द केसिंग ऑफ ए रॉकेट इन फ्लाइट बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन एट हुज एक्सपेंस इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन्ड द रॉकेट और द एटमॉस्फेयर। तो रॉकेट को जो उड़ने के लिए हमारे पास चाहिए एनर्जी, ठीक है, तो वो जो उसे मिल रही है एनर्जी हमारे पास, वो मास का, जो रॉकेट का मास है हमारे पास उसका रिडक्शन हो रहा है, उसमें हमारे पास मास वेरी कर रहा था, चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, हमारे पास जो रॉकेट है, रॉकेट का मास ड्रॉप होने की वजह से क्या हो रही है, हमारे पास टोटल एनर्जी जो है चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, वहाँ पर हीट एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है बर्निंग करने के लिए रॉकेट को, तो रॉकेट ऑप्शन होगा इसका, ठीक है, रॉकेट ना कि एटमोसफियर, क्योंकि मास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ना, मास ड्रॉप हो रहा है, और मास ड्रॉप हो रहा है तो क्या हो रहा है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, बर्निंग करने के लिए। सेकंड पार्ट है, उसमें पूछा है हमारे पास, कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इज हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कॉमेट का सन के अराउंड नॉर्मल नहीं है, तो यहाँ आपको बताना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके द्वारा जो वर्टन है टोटल साइकिल के अंदर वो 0 है, क्यों है, ठीक है, ये वो आपको बताना है। तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका फोर्स वो होता आपका कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स का क्या होता है, टोटल जो साइकिल है उसका वर्टन कराया कितना होता, 0 होता, ठीक है, तो इसलिए आप याद रखेंगे इस चीज़ को। इसी के बाद जो हमारे पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन में, तो उसमें ये पूछा गया है कि अगर हमारे पास कोई भी सैटेलाइट है, ठीक है, जब वो क्लोज होता है अर्थ के, तो उस टाइम उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म होता है वो होता है हमारे पास MgH, इसका मीन्स है कि हाइट जितनी ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी,
तो जब हमारे पास कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के पास होगा, क्लोज होगा अर्थ के, तो उसकी हाइट क्या होगी? कम होगी, ठीक है। जब हाइट हमारे पास होगी लेस होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी? डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। अब टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, तो इसका मीन्स है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होनी पड़ेगी? इंक्रीज होना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी वहाँ? इंक्रीज हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। इसी टाइप से हमारे पास डी पार्ट है, और उसमें डायग्राम बना दे रखा हमें, मैन है डायग्राम के अकॉर्डिंग, और मास भी रखा आपको 15 किलोग्राम ये हैंड से कर रहे हैं। तो किसका जो है हमारे पास वर्डन ज़्यादा होगा आपको बताना है। जो हमारे पास वर्डन होता है, वर्डन का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है W इक्वल एफ एस कोस थीटा। तो फर्स्ट में देखा हम केस में, तो मास रखा 15 किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट है उसका 2 मीटर, तो आप W निकाल लेंगे यहाँ पर एफ एस कोस थीटा, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर वैल्यू दे रखी है फोर्स की, एंगल रहेगा 90, और एफ कोल्ड का हमारे एम ए कोस 90, कोस 90 वैल्यू देने की 0, ठीक है। ये रहेगा हमारे फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में क्या हो रहा है हमारे पास? पैरेलल है बात, मींस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है सेकंड वाले पार्ट में, तो एफ एस कोस के रहेगा 0 रहेगा, कोस 0 वैल्यू रहेगी 1, तो डब्ल्यू की वैल्यू कोई ना कोई निकल आएगी। इसलिए क्या होगा हमारे पास जो सेकंड वाला केस होगा उसमें हमारे पास ज़्यादा वर्डन करना पड़ जाएगा, ठीक है। आप एफ की और ऐसी वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो आपकी वैल्यू रहेगी वर्डन की निकल गई, तो सेकंड केस रहेगा इसका आंसर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें ये पूछा गया है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है पॉजिटिव वर्क मिल गया अगर वहाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बॉडी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या सेम रहेगी, ठीक है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके इसमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक, क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा जो डिस्टेंस हमारे पास बॉडी की या जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास डिक्रीज होगा, और इससे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज रहेगी। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, जो वर्क डन है हमारे पास बॉडी द्वारा फ्रिक्शन फोर्स के अपोज जो करा जा रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा या पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ठीक, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो वेलोसिटी को बॉडी को कम कर देगा। थर्ड पार्ट है जो रेट चेंज है हमारे पास टोटल मोमेंटम की मैनी पार्टिकल सिस्टम में, तो वो जो फोर्स होता है हमारे पास उसके प्रोपोर्शनल होती है इंटरनल के एक्सटर्नल के, तो एक्सटर्नल फोर्स का कोई रोल नहीं होता इस सारे चैप्टर में या सेंटर ऑफ मास में, रोल किस चीज़ का होता है केवल एक्सटर्नल फोर्स का होता है रोल, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है कोई एक इनलास्टिक कोलिजन है, दो बॉडी कर रही हैं, तो उनमें हमारे पास क्या चीज़ें कंजर्व होंगी? तो टोटल जो लिए मोमेंटम है वो कंजर्व होता है बॉडी का, काइनेटिक एनर्जी डिग्री हो सकती है, ठीक है। तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, और कल हम नेक्स्ट चैप्टर इसमें देखेंगे।